हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, अभी है आफ्टरनून टाइम और मैं करने जा रही हूँ अपना लंच। तो मैंने लंच में आज क्या प्रिपेयर किया है वो दिखाती हूँ, और उसके बाद में मैंने अमेजोन से कुछ चीजें परचेज की थी, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करूंगी। सो लेट मी शो यू फर्स्ट कि आज मेरे लंच में क्या है। सो गाइज, देखो, आप जैसे देख सकते हो मेरे प्लेट में कर्ड है, और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां जैसे कि कैप्सिकम, अनियन, कैरेट एंड कैबेज को सॉटे कर लिया था। उसमें थोड़ा सा मैंने छोले मसाले और थोड़े बहुत स्पाइसी ऐड किए थे। और ये आज मैंने बनाया है लौकी का पराठा। तो लौकी के पराठे के लिए मैंने सिर्फ लौकी को ग्रेट कर दिया था, किस लिया था, और फिर उसको आटे में ही गूंथ ली हूँ। उसमें कुछ कुछ मसाले डाल दी थी, थोड़ा सा ऑयल डाल दी थी, बस ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाया हुआ है ताकि हेल्दी भी रहे, टेस्ट में भी अच्छा लगे। सो गाइज, आई एम डन विथ माय लंच एंड सारी चीज़ें हो गई है, एंड अब मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने अमेजोन से परचेज किया है। एंड उसके अलावा भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि मैं इन दिनों अपने हेल्थ को लेके भी बहुत थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ, चीज़ों को पंचुअली कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, खाना पीना जो था पहले वो एज इट इज़ है, उसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है, बट आई एम मेंटेनिंग द टाइमिंग, जो टाइमिंग है ना उसको मेंटेन करती हूँ, जो गैप्स है वो प्रॉपरली देने की कोशिश करती हूँ। उसके अलावा मैं इवनिंग में डेली 1 आवर का योगा करती हूँ। तो मेरी जो योगा टीचर है शी इज़ वेरी नाइस टीचर, बहुत ही अच्छी टीचर है एंड ट्रेन टीचर है, उन्होंने डिप्लोमा किया है मेडिकल योगा में। सो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे अभी, ये जितने भी सेशन हैं उनके साथ में चल रहे हैं। 1 घंटा ऐसा ही निकल जाता है यार, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, और बहुत मज़ा आ रहा है करने में। एंड आई कैन फील जो तरीके से वो कराते हैं ना, तो वो फील अभी से मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ वो इफेक्टिव है और मज़ा आ रहा है करने में। चलो फिर अब मैं फटाफट आपको दिखाती हूँ कि मैंने अमेजोन से क्या परचेज किया है। और ये देखो, ये रहा सबसे पहले ये इयररिंग है जो मैंने अमेजोन से परचेज किया था, ये ब्रांड ज़वेरी से है। एंड सी द साइज ऑफ दिस इयररिंग, कैन सी द साइज, ये देखो इसका साइज देख रहे हो, एंड इसका डिटेलिंग, जो पर्ल वर्क किया है यहाँ पे, जो पर्ल वर्क किया है, उसके अलावा मुझे पूरा ओवरऑल बहुत ही पसंद आया था। और ये मैंने मेरे भाई की शादी में पहना था, और ज्वेलरी में इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पहना था, बस ये इयररिंग एंड आई वॉज डन। और इसके अलावा मैंने एक चीज़ और परचेज किया है, वो रिसेंटली अभी अभी परचेज किया है, वो भी ज़वेरी से ही है, ज़वेरी ब्रांड से, मैंने अमेजोन से ही परचेज किया है। एंड ये है वो नेकलेस, ये देखो, ये जो मोती है ना इसके, वो इतने नाजुक हैं, मुझे लग रहा था पता नहीं यार कैसा आएगा। मैं बहुत पहले इनसिक्योर फील करती थी, ऑनलाइन चीज़ों को परचेज नहीं करती थी, बट ऑफलाइन भी ना आप कोई भी शॉप पे जाओगे ना, चीज़ें एक्सपेंसिव मिलती हैं यार, और वो वैरायटी भी नहीं मिलता है आपको। सो आई थॉट ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, चीज़ें रिटर्न भी हो जाती है अगर नहीं पसंद आती है। तो मुझे बहुत पसंद आया, एंड मैं एनिवर्सरी आ रहा है तो आई थॉट उस पर मैं पहनूंगी। उसके अलावा इसके साथ में इयररिंग्स हैं, और ये इयररिंग का साइज़ भी देखो काफ़ी बड़ा सा है, सो मुझे पसंद आया ये इयररिंग। सो इसके अलावा एक चीज़ और मैंने परचेस किया है, वो है ये छोटे से पैकेट में आया है, मैंने इसे भी निकाल के रखा है, इसमें आया है, और ये भी मैंने अमेजोन से परचेस किया है, और ये है डबल साइडेड टेप जो हम अपने बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई क्लोथ पहन रहे हैं और इनसिक्योर फील करते हैं कि यहाँ से कुछ दिख रहा है, वहाँ से कुछ दिख रहा है, प्रॉपर एक जगह पर कपड़े रहते नहीं हैं अगर हम उठते बैठते हैं, तो उस टाइम पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये डबल साइडेड टेप है, ये स्वेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, और लॉन्ग लास्टिंग, देखो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, बट आई डोंट नो कि ये कितना वर्क करेगा, बट ठीक है, मैंने कहा पहले एक बार ट्राई तो करना चाहिए, एंड कुछ नया था तो ट्राई करने में क्या जाता है। तो देखो ये कुछ इस तरीके के 2 सेट में आया हुआ है, और इसमें पार्टीशन किए हुए हैं, बस जब यूज़ करना होगा तो आप एक निकाल के सेपरेट करके यूज़ कर सकते हो। तो आपको इसे जहाँ पे भी कोई भी क्लोथ्स जो भी आप पहन रहे हो, अगर वो उठा हुआ दिख रहा है, आपको स्टिक करना है, सिक्योर करना है, तो यू कैन यूज़ दिस टेप। तो यही था यार, मैंने यही सारी चीज़ें अमेजोन से परचेज की थी। सो गाइस, यही था, और ये सारी चीज़ें मैंने परचेज की थी अमेजोन से, और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, ताकि अगर आप लोगों के भी दिमाग में मेरे जैसा कुछ डाउट होता है, तो ज़वेरी पर से अगर आप कोई ज्वेलरी परचेज करना चाहते हो ना, तो आप कर सकते हो। उनका जो काम है वो बहुत ही बढ़िया है, जो डिटेलिंग करते हैं हर चीज़ों पर, वो बहुत खूबसूरत होता है, तो यू कैन परचेज। तो गाइस, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दो, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर देना, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।